सदना का लाल जम्मू में शहीद। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जम्मू में शुक्रवार सुबह हुए आतंकी हमले में सतना के जवान शंकर प्रसाद पटेल शहीद हो गए। जम्मू के भटिंडी, सुंजवा और चड्ढा आर्मी कैंप के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस पर भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें CISF के ASI पटेल शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर गाँव में मातम छा गया। शहीद शंकर प्रसाद पटेल मैहर में अमदरा के समीप ग्राम नौगमा के रहने वाले थे। शंकर प्रसाद ने ड्यूटी पर जाने से पहले गुरुवार को अपनी पत्नी और छोटे बेटे से फोन पर बात की थी। शंकर प्रसाद की शहादत की खबर मिलते ही पूरे नौगमा का माहौल गमगीन हो गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उधर आसपास के गांव से भी लोग खबर सुनकर शहीद के घर पहुंचने लगे हैं। शंकर प्रसाद CISF में सहायक उप निरीक्षक के तौर पर पदस्थ थे। वे भिलाई छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे, जहां से 18 अप्रैल को ही उन्हें स्पेशल ड्यूटी में बटालियन के साथ जम्मू भेजा गया था। वे 2 साल बाद यानी 2024 में रिटायर होने वाले थे। शहीद पटेल को बागवानी और सफाई का बहुत शौक था। वे खुद तो साफ रहना पसंद करते थे, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करते थे। छुट्टियों पर जब भी घर आते, अपना ज्यादातर समय बागवानी में ही गुजारते थे। शंकर 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। शुरू से ही उनकी रुचि देश सेवा में थी, इसलिए उन्होंने CISF ज्वाइन की। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा संजय कुमार टोल प्लाजा में एम्बुलेंस ड्राइवर है, जबकि छोटा बेटा सुरेंद्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नागपुर में नौकरी करता है। बता दें, परिजनों के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर तक उनके गृहग्राम पहुंचने की संभावना है। पार्थिव देह को जम्मू से विशेष विमान से जबलपुर लाया जाएगा। वहां से नौगमा का लाल सड़क मार्ग से तिरंगे में लिपटा अपने गृहग्राम पहुंचेगा। प्रशासन की टीम भी गांव पहुंच गई है और शहीद के पार्थिव शरीर के आगमन तथा अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गई है। मैहर SDM धर्मेंद्र मिश्रा, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह नौगमा पहुँच गए हैं। मैहर अमदरा से पुलिस बल भी व्यवस्था के लिहाज से बुला लिया गया है। जम्मू के ADGP मुकेश सिंह ने कहा, जम्मू में सुजम्बा कैंप के पास शुक्रवार सुबह करीब 4:15 में आतंकियों ने फायरिंग की। मुठभेड़ शुरू हुई, इसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए और अफसर शहीद हुए हैं। हमला उस समय हुआ जब जवान बस से ड्यूटी पर जा रहे थे। आतंकवादियों की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि फायरिंग के बाद कुछ आतंकी भाग गए हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर वहां खुफिया एजेंसियां और सेना हाई अलर्ट पर हैं। कार्यक्रम में PM के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। PM के दौरे के पहले ही आतंकी हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।